हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आस्था चौहान और आइए देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या पक रहा है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के प्यार के किस्से बॉलीवुड गलियारों में कम नहीं है। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, दोनों की केमिस्ट्री में इनके बीच का प्यार साफ दिखाई देता है। सुना है एक दूसरे को अब तक जस्ट फ्रेंड्स कहने वाले दीप वीर इस साल नवंबर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन शादी से पहले वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये चर्चित कपल इन दिनों US में है और हाथों में हाथ डाले हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। आज अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क रिलीज हो रही है। फिल्म में ऋषि कपूर, तापसी पन्नू, प्रतीक बब्बर, आशुतोष राणा जैसे सितारे हैं। इस बीच गुरुवार को फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें तमाम स्टार्स के अलावा राज बब्बर की मौजूदगी खास रही। बता दें कि फिल्म में एक बार फिर अपने अभियान का जादू दिखाने को तैयार प्रतीक राज बब्बर के बेटे हैं। इरफान खान इन दिनों लंदन में कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। उनकी नई फिल्म कारवां 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस मौके पर उन्होंने एक एजेंसी से बात की और दिल का हाल बताया। बीमारी के बारे में वे बोले, कीमो के चौथे चरण में हूँ, कुल 6 चरण होंगे, फिर स्कैन किया जाएगा। तीसरे चरण के बाद स्कैन पॉजिटिव था, लेकिन अभी 6 चरणों तक स्कैन को देखना होगा, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आमिर खान की कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता है। वे फिल्म के मुनाफे में 80% हिस्सा लेते हैं और उन्हें सबसे बाद में ये मिलता है। मुंबई में हुई 5वीं इंडियन स्क्रीन राइटर्स कॉन्फ्रेंस में आमिर ने ये जानकारी दी। आमिर ने कहा, अगर फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए है तो उसके बाकी कास्ट क्रू मेंबर्स को पैसा इस साल 100 करोड़ में से मिल जाता है। कभी भी मुझे पैसा शुरू में नहीं मिलता, जब फिल्म रिलीज होती है तो मैं शून्य पर होता हूँ, क्योंकि मैं मुनाफे में हिस्सेदार होता हूँ। फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली हीरोइन निधि अग्रवाल मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। एयरपोर्ट पर निधि बिना किसी मेकअप के एकदम सादे लिबास में नजर आई। निधि अग्रवाल ने जैसे ही मीडिया को एयरपोर्ट पर देखा, वो अपना चेहरा पासपोर्ट और मोबाइल से छुपाने लगी। मुंबई के बांद्रा स्थित प्रसिद्ध बास्टियन रेस्टोरेंट के बाहर अभिनेता सुनील शेट्टी का बेटा अहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई दिए। आपको बता दें कि अहान की गर्लफ्रेंड का नाम तान्या श्रॉफ है। ये कपल पब्लिक प्लेस पर बहुत कम ही दिखाई दिए हैं। इन दोनों को आखिर बार आज की से एक साल पहले देखा गया था। जानकारी के अनुसार ये दोनों स्कूल टाइम से एक साथ है। जेपी दत्ता अब पलटन लेके आ रहे हैं। तमाम युद्धों को पर्दे पर उतारने वाले इस निर्देशक ने इस फिल्म की झलक 2 अगस्त को दिखाई। ट्रेलर कमाल का है और गजब की उत्सुकता पैदा कर रहा है। इस बार जेपी कुछ अलग कहानी लाए हैं, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बता दें कि भारत चीन युद्ध पर बनी इस फिल्म की रिलीज डेट भी एक खास महत्व रखती है, जो जुड़ी है इस युद्ध से। बॉर्डर और LOC कारगिल जैसी फिल्म बनाने वाले जेपी दत्ता ने 2 महीने पहले ही अपनी फिल्म की रिलीज डेट घोषित की थी। फिल्म इस साल 7 सितंबर को रिलीज होगी। गुलपनाग ने बड़ा राज खोला है। वे एक बेटे की मां बन चुकी है और वो भी 6 महीने पहले। उन्होंने तय किया था कि वे इस बात को लंबे समय तक राज ही रखेंगी। उनके बेटे का नाम निहाल है। गुल ने ये राज मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में खोला। उन्होंने बताया है कि मेरे पति ऋषि और मैंने हमेशा ही अपनी प्राइवेसी की इज्जत की है। पेरेंट्स बनना एक खास अनुभव होता है और हम इसे लोगों की दखलअंदाजी से खराब नहीं करना चाहते थे। बॉलीवुड में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कि आस्था चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।